5 से लेकर नंबर 1 तक जाते जाते हर एक सीरीज का लेवल ग्रेट से ग्रेटेस्ट होता जाएगा। ये एक नई शुरुआत है। साईफाई, हॉरर, सस्पेंस, हर एक जॉनर से रिसेंटली में रिलीज हुई बेस्ट सीरीज। टॉप 5 वर्ल्ड क्लास वेब सीरीज इन हिंदी डब। ऑल ऑफ अस आर डेड जैसी कोरियन जॉम्बी सीरीज देखने के बाद हमारी एक्सपेक्टेशन काफी बढ़ गई है, और इसी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने आई है कोरियन सीरीज मिस्ट्री ड्रामा डार्क होल। अचानक से एक माउंटेन के अंदर एक बड़ा सा डार्क होल क्रिएट हो जाता है, जिसके अंदर से लगातार एक मिस्टीरियस स्मोक रिलीज होते जा रहा है। ये स्मोक इतना मिस्टीरियस और डेंजरस इसीलिए है क्योंकि लोग इसे इनहेल करने के बाद एक जॉम्बी टाइप म्यूटेंट्स में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं, और इसके बाद तो पूरे शहर में मैडनेस ऑफ जॉम्बीज लगातार फैलते जा रहा है। ये प्लॉट इतना जबरदस्त है कि इसे ग्रेट शो बनाया जा सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ मेजर लूप होल्स और इलॉजिकल चीजें देखने को मिलेगी जो शायद आप बेयर कर भी नहीं। लेकिन इसके बाद आती है 12 एपिसोड 1 आवर ईच की ह्यूज लेंथ। सभी लोग शेल्टर के लिए पूजी स्कूल आ सकते हैं। फाइनल कंक्लूजन, अगर आपने ज्यादा जॉम्बी कंटेंट नहीं देखा है तो आप इसे वन टाइम कंसीडर कर सकते हैं। इसके अंदर आपको बहुत सारे क्रीपी मॉन्स्टर, क्रिएचर्स और थोड़ी बहुत एक्शन देखने को मिलेगा जो एमएक्स प्लेयर पर हिंदी डब के साथ फ्री में अवेलेबल है। ये दो लोग मदर और डॉटर बहुत सालों से एक मिस्टीरियस रिमोट लोकेशन में ट्रैप हैं। फाइनली एक चांस मिलने के बाद ये दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो जाता है। हम लोग जंगल में थे। अभी एक केस जा चुकी है पुलिस ऑफिसर के पास, जिन्हें पता लगाना है कि आखिर ये लोग कौन है और इन्हें कैद कर क्यों रखा गया है। और इस इन्वेस्टिगेशन के बाद जो मिस्ट्रीज खुलने स्टार्ट होते हैं 2023 में रिलीज हुई सस्पेंस साइकोलॉजिकल थ्रिलर डियर चाइल्ड। सीरीज पेशेंस के साथ आपको साइकोलॉजी की एक अलग दुनिया में लेकर जाएगी, जहां आपको इस तरह के कंटेंट देखने का भूख पूरी तरह से मिटा देगी। एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 6 तक धीरे धीरे स्लो पेसिंग के साथ सारे मल्टी लेयर्ड मिस्ट्रीज एक एक कर अनफोल्ड होती जाती है, इसलिए स्लो पेसिंग के बावजूद भी ये सीरीज कहीं पे भी आपको बोर नहीं करेगी। अटैचेबल कैरेक्टर, मिस्ट्री, सस्पेंस, ब्यूटीफुल सेट्स, लोकेशन एंड BGM, ये सारी चीजें कलेक्टिवली इसे ग्रैंड लेवल पे वर्थ वाचिंग सीरीज बनाती है। ओवरऑल ये सीरीज डेफिनेटली मस्ट वॉच है, जिसे देखने के पहले आप इसके बारे में जितना कम जानेंगे ये सीरीज उतने ही आपके लिए सरप्राइजिंग फैक्टर लाते जाएगी। नंबर 3 की सीरीज है स्टार वार्स के वर्ल्ड पर बेस्ट एक्शन एडवेंचर ड्रामा अशोका। अगर आप स्टार वार्स के वर्ल्ड से अननोन हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग लगातार टॉप क्लास के साईफाई शोज लाते जा रहे हैं, जैसे मैंडलोरियन, एंडोर और अब अशोका। इसकी स्टोरी एक बहुत ही एंशियंट टाइमलाइन एरा पर बेस्ड है, जहां बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी, वेपन्स, तरह तरह के क्रिएचर्स, बड़े बड़े एम्पायर के हुकूमत होते थे। गैलेक्टिक एम्पायर के फॉल के बाद ये गैलेक्सी एक बहुत ही वल्नरेबल कंडीशन में आ चुका है, जिसपे लगातार खतरे बने हुए हैं। इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक फॉर्मर जेडाई अशोका को इस गैलेक्सी के खतरे के बारे में इन्वेस्टिगेट करने का मिशन दिया जाता है। बाजी होगी जंकी। अशोका जैसी बैडस करेक्टर, फुल ऑफ साइफाई एडवेंचर, एक्शन, इंटेंस इन्वेस्टिगेशन, ये सीरीज आपको स्टार्ट से एंड तक डिसेंटली एंगेज रखेगी। अगर आप कुछ समय के लिए एक टोटली डिफरेंट वर्ल्ड में जाना चाहते हैं तो ये सीरीज आपको अपने टॉप क्लास के बिलीवेबल विजुअल से इस चीज का एक्सपीरियंस करा सकती है। बॉयज यूनिवर्स से एक और 18+ ब्रूटल आर रेटेड वेब सीरीज जैन भी। खतरे में इस सीरीज को देखने से पहले एक नहीं बल्कि बहुत सारी वार्निंग्स है। अगर आपकी एज बिलो 18 है तो आप इस सीरीज को अभी ड्रॉप कर दें। अगर आप ज्यादा सेंटिमेंटल पर्सन है तो यह सीरीज आपके सेंटिमेंट्स को और हर्ट करेगी, और भूल कर भी इस सीरीज को खाते टाइम मत देखना। आर रेटेड होने के लिए यह सीरीज हर बॉक्सेस को टिक करती है। मैरी नाम की लड़की बचपन में ही अनइंटेंशनली अपने पेरेंट्स को मार देती है अनकंट्रोलेबल सुपर पावर्स के कारण। अब ये एक यूनिवर्सिटी में आती है जहां बहुत सारे लोगों को सुपर 7 में ज्वाइन होने की ट्रेनिंग दी जाती है, तो इस एनवायरनमेंट में मैरी को किस तरह की चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है और क्या वो सुपर 7 में ज्वाइन हो पाएगी या नहीं, ये सब का जवाब है जेन भी के अंदर। ऑनेस्टली इस तरह का आर रेटेड शो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि क्रिएटर्स के पास कोई लिमिटेशंस नहीं होते हैं कि क्या दिखाना है क्या नहीं, इसलिए सारी चीजें ओपनली प्रेजेंट की जाती है जो हमें अंदर से वॉ किक देती है। या तो उसकी अलग अलग कैरेक्टर, उसकी स्टोरी हो, या तो कुल सुपर पावर और डिस्गस्टिंग किलिंग सीन, सब कुछ टॉप नॉच है। इसके अलावा ये सीरीज दी बॉय सीजन 4 के लिए भी एक बड़ी प्लॉट बिल्डअप करती है, जिसे देखना बहुत जरूरी है अगर आप दी बॉय सीरीज के फैन हैं। नंबर 1 की सीरीज है 2021 में रिलीज हुई साईफाई ड्रामा 2 सीजन 10 एपिसोड ईच फाउंडेशन। कमिंग जनरेशंस विल नीड द नॉलेज टू बिल्ड अपॉन। इजीली ये सीरीज मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सीरीज एवर वॉच्ड में से एक है। ह्यूमन स्पीसीज ने फ्यूचर में इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रीच कर ली है कि अब इनका राज पूरे गैलेक्सी के ऊपर है, जहां ये नियर लाइट स्पीड से ट्रैवल करते हैं और टेक्नोलॉजी के दम पे इम्पॉसिबल चीजों को भी पॉसिबल करते जा रहे हैं। बट अब इस खुशहाल गैलेक्टिक एम्पायर का फॉल होना शुरू हो गया है। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए साइंटिस्ट की एक टीम बनाई जाती है जिन्हें इस गैलेक्सी को बचाना है। We will destroy them all. इस सीरीज को ना देखने का मेरे पास कोई भी माइनस पॉइंट्स नहीं है, लेकिन इसे देखने का मेरे पास बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं। सबसे पहला तो इसका रिच एंड रियल वर्ल्ड, जिसे इतने अच्छे से बनाया गया है जिसके विजुअल्स में आप पूरी तरह से खो जाएंगे। सेकंड, मोस्टली साईफाई सीरीज के अंदर कोई इमोशंस नहीं होते, बट इस सीरीज के सारे कैरेक्टर्स वेल रिटन है जो आपको बहुत पसंद आएगी। और फाइनली इसकी थ्रिलिंग स्टोरी जो हर एपिसोड के बाद आपको क्लिफ हैंगर में डाल देगी, जिसके बाद अगला एपिसोड क्लिक करना ही करना है।
बस स्टार्टिंग के 4 एपिसोड तक थोड़ा पेशेंस रखना, उसके बाद आप कुछ नेक्स्ट लेवल चीज एक्सपीरियंस करेंगे। नेगेटिव पॉइंट बस ये है कि ये सीरीज हिंदी में अवेलेबल नहीं है, आपको इसे इंग्लिश में ही देखना होगा, जो टोटली वर्थ इट है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं आपसे जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।